जम्मू कश्मीर के रामबन में अचानक बाढ़ आ गई। माना जा रहा है कि बादल फटने की वजह से ये बाढ़ आई है। तस्वीरें आपके सामने हैं। रामबन में भी ये माना जा रहा है कि बादल फटने के बाद ही ये तबाही आई है। सैलाब देखिए, रास्ते में जो भी आ रहा है उसे अपने साथ बहाकर लेता जा रहा है। इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए अपने सहयोगी आसिफ कुरैशी का मैं रुख करना चाहूंगी। आसिफ, तस्वीरें तो भयावह है, दिख रहा है कि रामबन में किस तरीके के हालात बने हुए हैं, अभी किस तरीके की स्थिति है? देखिए, पहले ही मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया था, खासतौर पर जम्मू के इलाके रामबन में फ्लैश फ्लड का, तो उसी के चलते यहाँ पे सतर्कता पहले से ही थी। लोगों को पहले ही ऐसी जगहों से हटा लिया गया था जो कि वल्नरेबल है, जहाँ पे ये इस बात का खतरा था कि लोगों को कुछ परेशानी हो सकती है। इसीलिए जानमाल का नुकसान यहाँ पे कम हुआ, लेकिन आज पूरे दिन के लिए मौसम विभाग की तरफ से पूरे जम्मू क्षेत्र और खासतौर पर रामबन बानिहाल बेल्ट में इस तरीके के फ्लैश फ्लड का अलर्ट जारी है। पूरी कश्मीर घाटी की बात करें तो यहाँ पे काफी ज्यादा बादल छाए हुए हैं और पीर पंजाल की पहाड़ियों में काफी बारिशों की भी खबरें आ रही हैं। इसीलिए फ्लैश फ्लड का अलर्ट जो अभी कर दिया गया है उसको ऑरेंज अलर्ट कर दिया गया है और लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। लेकिन गनीमत ये रही कि नीरा रामबन में जो बादल फटा है उसके कारण भले ही भारी मात्रा में पानी यहाँ पे नीचे आया था, लेकिन जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आसिफ कुरैशी। एक बार फिर से अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा देते हैं। ये रामबन से आई तस्वीरें हैं, जहाँ पर हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि पहले से ही फ्लैश फ्लड को लेकर अलर्ट पर लोगों को रखा गया था कि एकाएक ऐसी बाढ़ की स्थिति बन सकती है। ऐसे में लोग सुरक्षित रहें, सावधान रहें, और कुछ इसी तरीके से सैलाब आया और अपने साथ बहुत कुछ बहा कर ले गया। हालांकि गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।